हर कोई जिंदगी विच उड़ान भरना चाहता है। एहो जिही चाहत रखण वाला है जलंधर दा एक ओल्ड डॉक्टर कपल। पत्नी डॉक्टर पुष्पिंदर कौर की उम्र 65 साल अते पति डॉक्टर बलबीर सिंह भौरा की उम्र 73 साल है। पर उम्र की परवाह किए बिना शौक पूरा करने 15,000 फुट की उचाई तो स्काई डाइविंग करके भारत में सब तो पहला स्काई डाइविंग करने वाले ओल्डेस्ट कपल बन गए। इस कपल का कहना है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए वो इसे जिंदगी विच हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बलबीर सिंह भौरा। सर हाल ही एक तुम बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कपल ने, एक की अचीवमेंट है पहले तो बारे जानना चाहवा जी। हवा च जो मैं परिंद उड़ते देखता सी, पानी में मछलियां जाते देखता सी, जमीन से दौड़ता सी, मेरी जिंदगी हमेशा खास रही। मैं प्रोफेशन वजो एक कामयाब आई स्पेशलिस्ट हाँ, पर यह हमेशा खास रही। तो इस करके सन 1980 तो मैं फ्लाइंग भी करता रहा, फिर मैंने छड़नी पै गई किसी खास कारण करके, मेरे फादर ने लादा एयर क्रैश हो गया सी। तो मैनू हवा जुड़न का बड़ा शौक, उत्तों जो दुनिया देखी तो बहुत वधिया लगती है, कुदरत नज़ारे जो सू परमात्मा ने बनाए वो एकदम सू नज़र आते हैं, तो बड़ी खास सी। पर क्योंकि तुम जिस तरह पहले दसिया कि मेरे अंदर ये खास दबी हुई सी जिन, पर मैं मेरा एक दोस्त सगा वो बच्चे जोड़े आस्ट्रेलिया करके आए थी जी टैंडम स्काई डाइविंग, तो मैं बड़ा मोटीवेट पहला ही सगा। फिर मैं इंडिया च लभ्या तो मैंने एक नारनौल हरियाणा के एक फ्लाइंग क्लब लभ्य जो कराते तो उन्होंने मैं कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने कहा तुम आ सकते हो, तो फिर असी सारा प्रोग्राम बना लिया और असी बड़े मोटीवेट, फिर वीडियो वगैरह देखिया कुछ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि दुनिया च औखा काम तो कोई नहीं, सिर्फ तुहाडा एक मैंटल ब्लॉक ही हुंदा आ। तो इस करके एक जी मेरी खास इन्नी तीव्रता खास थी कि वो डर वाली डर तो थले चले गया सी, तो उत्थे जाके फिर असी एक्टिविटी की। फिर मैं अपनी वाइफ ने कहा तुसी भी करो, पहला सब डरते ने हवा बिचों, क्योंकि दो हवा में सुट देना, तो 10,000 फुट तक बिना किसी पैराशूट तो आना, तो एक बहुत वड्डी मन दे विच सरक नूं डर हुंदा है। पर क्योंकि मेरी ख्वाहिश सी मैं वाइफ नूं तैयार कर लिया, भी तैयार हो गए और इन्हों कहा कि पहला मैं करूँगा तो फिक्र ना करो, तुसी फिर तुसी कर लियो। फिर मेरा कंसल्टेंट सगा उन्हूं भी मैं तैयार कर लिया, तीनों असी तैयार कर लिया। फैसला यह होया कि सब तो पहला मैं करूँगा, फिर मैं ठीक ठाक होया तो तुसी कर लियो। पर बड़ी अजीब गल हुई, उत्थे जाके इन्ने वे मोटीवेटेड सीगे, उल्टा हो गया। उस मेरा वेट सब तो ज़्यादा सगा, तो मेरा जिहड़ा कंसल्टेंट उसका सब तो घट सगा, वह कहिंदे जी वेट मुताबक होनी है। तो सब तो पहला कंसल्टेंट गया, फिर मेरी वाइफ गई, तो फिर मैं गया। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पिंदर कौर है जी। डर तो देखो सारे लगता है, पर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जो तुम मन बना लिया ना किसी भी काम करने, मन बनाने वेले तो थोड़ा जहा डर लगता है, एक बार मन बना लिया फिर नहीं मैं डर लगता। क्योंकि स्कूल बचपन च मैं एक कविता पढ़ी सी कि जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे चलना पड़ेगा, मौत से ही ना खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा, है अधिक अच्छा यही फिर पंथ पर चल मुस्कुरा कर, मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी अविरल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। तो जदों मैं मन बना लिया कि मैं जंप करना है, फिर उस तो बाद नहीं मैनू डर लगा, मन बनाने तो पहला लगा सी। हाँ जदों एक बारी जहाज़ तो नीचे छलांग मारन लगे उस वेले थोड़ा जहा तुहानू लगता है, पर फिर मैं सोचिया कि जब हुण मैं इत्थे आ गई हाँ देर इज़ नो टर्निंग बैक, सो इंजॉय। सर दी किन्नी क सपोर्ट सी, क्योंकि सर ने मोटीवेट किया होना तुहानू, क्योंकि उन्हां दा शौक है, वह कहिंदे मैनूं तां हवा च उड्डण दा शौक है, तो क्योंकि जो परिंदियां दी गल कीती ते तुहानू वी कुछ इस तरह शौक सी कि सर नूं देख के तुहानू वी शौक आया इस चीज़ का? नहीं शौक तो मैनूं बचपन तो ही बहुत है, मतलब हर एक चीज़ कोई कुछ हुंदा होना स्कूल च, कोई गेम्स है, कोई डिबेट है, कोई डेक्लेमेशन है, कोई एक्टिंग है, कोई कुछ भी हो रहा, मतलब उहदे च मैं पार्टिसिपेट करना, उहदे च मैं प्राइजेस लियाने, तो शौक तो शुरू तो ही है। मेडिकल प्रोफेशन च आके तुहाडी ना ज़्यादा कमिटमेंट प्रोफेशन वल हो जाती है, सो वो तुहाडे थोड़े जे पिछे हो जाते हैं, सो पर जदों भी इदां दा कोई मौका आंदा तो फिर आई एम रेडी फॉर इट।